Assalamualaikum friends, Hafi vlog में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जरदा राइस, इसे स्वीट राइस भी कहते हैं। स्वीट राइस बनाने का एक आसान सा तरीका आज मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए हमारे वीडियो को जल्दी से शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने चावल स्टोव पे रख लिया है। ये बनाने के लिए हमें चावल आधा घंटा पहले भिगाना है। मैंने आधा घंटा पहले भिगा के अच्छे से धो के साफ करके चावल स्टोव पे रख लिया। अब इसे हम पकाना है। हम दूसरे स्टोव पे गुड़ रखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो शुगर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी। मैंने 250 ग्राम चावल का इस्तेमाल किया है, इसलिए 250 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा चावल पकना शुरू हो गया। हमें चावल को 60% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। हम यहाँ लेंगे काजू, बादाम, सूखा नारियल और किशमिश। मैं यहाँ पर ये चार चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा गुड़ जो है अच्छे से पक चुका। आप स्टोव का फ्लेम ऑफ कर लीजिए। मैंने दूसरा पैन रख लिया है स्टोव पर। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। ये देखिए, हमारे चावल जो है 60% पक चुके हैं। अब इसे चावल में का पानी छान लीजिए। देखिए, मैंने चावल में का पानी छान लिया। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। इसमें आप गुड़ का सिरप डाल लीजिए। एक आसान तरीका है फ्रेंड्स स्वीट राइस बनाने का, जिसको कुकिंग नहीं आता वो भी इजीली बना सकते हैं। देखिए, गुड़ का सिरप डाल के आप एक बार इसे अच्छे से मिला लीजिए। हम डालेंगे 3 इलायची। मैंने 3 इलायची इस तरह से फोड़ के डाल लिया है। एक बार हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। फिर से अच्छे से मिलाने के बाद हमें लीड रख के पकाना है 5 मिनट तक। घी में काजू, किशमिश और सूखा नारियल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैंने दूध में ऑरेंज फ्रूट कलर लिया है थोड़ा सा। अब इसे चावल में डाल लीजिए ऑरेंज फ्रूट कलर को। फिर से एक बार अच्छे से मिलाना है। इसमें हम डालना है ड्राई फ्रूट्स और 4 टेबलस्पून घी डाल के फिर से एक बार अच्छे से मिला के लेट रख के हमें 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए, हमारा स्वीट राइस तैयार हो चुका है। अब इसे आप सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए। ये है फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी, जर्दा राइस यानी स्वीट राइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छे सिंपल टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कल्ला है।